क्वेश्चन नंबर 22, एक्स इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, वन प्रोडक्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ मोटर्स एंड द कंपनी प्रोड्यूसेस थ्री डिफरेंट मॉडल्स। कंपनी जो है वो एक मोटर बनाती है, अब मोटर के तीन डिफरेंट मॉडल्स बनाती है एक मोटर के। एक्स इज करंटली कंसिडरिंग अ प्रपोजल फ्रॉम अ सप्लायर हु वांट्स टू सेल द कंपनी ब्लेड्स फॉर द मोटर लाइन। एक्स जो है, जो कंपनी जो मोटर बनाती है, वो सब एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है सप्लायर से, जो कि कंपनी को मोटर के लिए ब्लेड बेचना चाहता है। द कंपनी करंटली प्रोड्यूसेस ऑल द ब्लेड्स इट रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड्स। एक्स करंटली प्रोड्यूसेस थ्री डिफरेंट ब्लेड्स फॉर ईच मोटर मॉडल, यानी नाइन फॉर ईच मॉडल। द सप्लायर वुड चार्ज 25 रुपये पर ब्लेड, जो सप्लायर है वो 25 रुपये पर ब्लेड लेगा, रिगार्डलेस ऑफ द ब्लेड टाइप, चाहे ब्लेड किसी भी मॉडल के लिए बन रहा हो। फॉर द नेक्स्ट ईयर एक्स हैज़ प्रोजेक्टेड द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन ब्लेड प्रोडक्शन एज फॉलोज। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड वॉल्यूम ऑफ 10,000 यूनिट्स, जो एक्स है वो खुद ब्लेड्स बनाता है और एक्स ने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर हम 10,000 ब्लेड की यूनिट्स बनाएंगे। ये मोटर की यूनिट्स नहीं लिखी है, ये ब्लेड की यूनिट्स लिखी है। तो 10,000 हम ब्लेड के यूनिट्स बनाएंगे, जिसकी कॉस्ट हमें पूरे साल के इस तरीके से लगेगी, और जो सप्लायर है वो हर ब्लेड के 25 रुपये चार्ज करेगा। अब देखते हैं इनकी बनाने की कॉस्ट कितनी आती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, देन फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का हमारे पास दो पोर्शन है, ये दो पोर्शन है, फैक्ट्री सुपरविजन और अदर फिक्स कॉस्ट। जो फैक्ट्री सुपरविजन है और अदर फिक्स कॉस्ट ये है। फिर नीचे इनके बारे में डिटेल्स दे रखी हैं कुछ। हमें अज्यूम करना है द इक्विपमेंट यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द ब्लेड्स हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज एंड नो मार्केट वैल्यू, कि ये जो इक्विपमेंट जो हम यूटिलाइज करेंगे ब्लेड को प्रोड्यूस करने के लिए, उनका और किसी जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और मार्केट में उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है उस इक्विपमेंट की। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ब्लेड प्रोडक्शन विल रिमेन आइडल इफ द कंपनी परचेजेस रादर देन मेक्स द ब्लेड। जो ब्लेड प्रोडक्शन के लिए जो मशीन है वो जिस जगह पर रखी जाती है, अगर हम ब्लेड खुद भी परचेज ना करें तो भी वो जो जगह है वो खाली ही होगी, उसे हमने किसी जगह पर किसी को भी रेंट वेंट पर नहीं दे रखा है, मतलब हमारी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से नहीं होगी, ठीक है। फिर तीसरा बात हमें बता रखा है कि जो फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट, जो फैक्ट्री सुपरविजन की जो कॉस्ट दे रखी है 35,000, रिफ्लेक्ट द सैलरी ऑफ अ प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। ये एक प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की सैलरी दिखाती है। हु वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द फ्रॉम द फर्म ए ब्लेड प्रोडक्शन सीज, जिसे कि डिसमिस किया जा सकता है अगर जो ब्लेड प्रोडक्शन है वो रोक दी जाए और सप्लायर से ब्लेड परचेज कर लिया जाए। और ठीक है, यानी ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई कि जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें ये फिक्स कॉस्ट चाहिए, बट यहाँ पे अदर फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम इसे अदर फिक्स कॉस्ट को एग्जिस्टिंग मानेंगे। तो अगर हम इसको एग्जिस्टिंग मानेंगे तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाती है ये कॉस्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, 10,000 यूनिट्स है, ब्लेड की यूनिट्स है, ये हमें इस फिक्स कॉस्ट की हमें नीड पड़ेगी, ये फिक्स इररिलेवेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी इनकर हो चुका है, एग्जिस्टिंग है और कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इतना हमें देखा हमने स्पेशल। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ परचेजिंग रादर देन मैन्युफैक्चरिंग द ब्लेड्स रिक्वायर्ड फॉर मोटर प्रोडक्शन द नेक्स्ट ईयर। यानी नेक्स्ट ईयर में जो हम ब्लेड की जो हमें प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, उसके लिए उसमें हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जब हम कंपेयर करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग से कि अगर हम परचेज करें तो क्या होगा, यानी परचेज करें एक तरफ और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चर करें, तो इन दोनों में हमें कंपेयर करके क्या होगा, नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा अगर हम परचेज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ मेकिंग में वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, तो ये तो हमने देख लिया था 75,000, 65,000, 55,000। क्वेश्चन में पर यूनिट में भी अगर हम बना देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पर यूनिट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा इन सब अमाउंट्स को।
इसके बाद हमारे पास एक फिक्स्ड आता है, दो फिक्स थे बट अदर फिक्स्ड ओवरहेड जो था अगर फिक्स कॉस्ट तो इरेलेवेंट हो गए थे क्योंकि एग्जिस्टिंग था, इसलिए हमें हम सिर्फ स्पेसिफिक वाले को लेंगे जो कि रेलेवेंट है हमारे लिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 230,000 होगी। कॉस्ट ऑफ बाइंग में क्या था कि 25,000 पर यूनिट की कॉस्ट होगी, तो 10,000 यूनिट हमें ब्लेड के बनाने थे, 2,50,000 रुपये। अब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या होगा, 250,000, 230,000 ये हमारी बाइंग की है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की है। तो अगर हम बाय करते हैं तो हमें नेट लॉस होगा, इसमें भी हमसे पूछा हुआ है नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ परचेजिंग। तो परचेजिंग करने से हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, परचेज करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ रहा है, 2,50,000 रुपये, 230,000 लगते अगर मैन्युफैक्चरिंग करते तो 20,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी नेट लॉस हो रहा है हमें। फिर अगला पूछता है डिटरमाइन द लेवल ऑफ मोटर प्रोडक्शन, उस लेवल का मोटर प्रोडक्शन हमें बताना है वेयर एक्स वुड बी इन डिफरेंट बिटवीन बाइंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द ब्लेड्स, यानी जहाँ पे एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले वो ब्लेड को मैन्युफैक्चर करे या फिर परचेज करे। फिर आगे कहता है कि अगर फ्यूचर वॉल्यूम जो है वो 10,000 यूनिट से भी नीचे गिरने का हो तो तब उस समय एक्स को क्या करना चाहिए, एक्स अपने इस वाले फैसलों को क्या करेगा। तो ये देखो इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट है ठीक है। तो डिफरेंस कितना था, अब देखोगे तो 35,000 का डिफरेंस है क्योंकि बाय करने में फिक्स कॉस्ट को कुछ लगती नहीं थी, मेक करने पे फिक्स कॉस्ट लग गई थी 35,000 की जो सुपरविजन की सैलरी थी सुपरवाइजर की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसमें 19.5 आया था और इसमें 25,000 था, 25 जो ब्लेड का रेट था और 19.5 जो हमने देखा था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, ये देखो हमने देखा था 19.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की हमें कंपेयर करनी है ना। तो देखो 35,000 आ गया डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है हमारा 25 माइनस 19.5, तो आंसर हमारा 636 हो जाएगा। फिर बाद में इसने हमसे पूछा है कि इस यूनिट पे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे खरीदे चाहे परचेज करे, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड है कि इस यूनिट से जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लेते हैं कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा, डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन जो है वो इनडिफरेंस यूनिट से भी हमारी गिर जाती है तो उस समय हमें वो अल्टरनेटिव हमें चाहिए होता है जो कि फिक्स कॉस्ट जिसमें कि कम हो। तो फिक्स कॉस्ट किस में कम रहेगी, बाय वाले में, क्योंकि बाय वाले में कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो इसलिए हमें बाय वाला ऑप्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इनडिफरेंस यूनिट वाले से बढ़ जाती है फ्यूचर ईयर्स में तो हमें जहाँ पे वो वाला ऑप्शन चुनना चाहिए जिसमें फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ी हुई हो। तो फिक्स कॉस्ट इसमें बढ़ी हुई है मेकिंग में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स कॉस्ट हमारी 35,000 रुपये है और परचेज करने वाले में कुछ है नहीं, तो हमें ये वाला मेकिंग वाला चुनना चाहिए। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा कि अगर गिर जाएगी तो सिंपल सी बात है हमें बाय वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। फिर यहाँ पे एक में पूछ रखा है कि सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए आप अज्यूम करो कि जो स्पेस है ये वाले जो स्पेस की बात करी है जो खाली रहता है वो मान लो कि आपने 45,000 हर साल जो पर एनम है उसके लिए आपने किसी फर्म को किसी को लीज पे दे रखा है वो स्पेस। जैसे अगर आपने परचेज़ किया है तो जो स्पेस तो आप यूज़ करोगे नहीं तो उस स्पेस को आप 45,000 रुपये में किसी को दे दोगे, यानी हमारी अपॉर्चुनिटी कोशिश पर 45,000 हो जाएगी। यानी हमने जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकाली है मैन्युफैक्चरिंग की इसमें स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट के बाद हम इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जोड़ देंगे क्योंकि उसका भी हमें लॉस हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमने जो एग्जिस्टिंग तो 230 आई रही थी उसमें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जोड़ दिया 45,000 का, तो 275 आ गया ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ कर जो 275 हो गया और कॉस्ट ऑफ बाइंग अब हमारी 285, यानी अब ये सस्ती पड़ गई, पहले 230 थी सस्ती थी 230, अभी 45,000 जोड़ गई तो 275 हो गई, तो अब ये सस्ती हो गई। तो अब इस ऑप्शन में अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमारे पास अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है वो सस्ती पड़ जाएगी, तो हमें ये ऑप्शन चुनना चाहिए बाइक का।